नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कौवे से जुड़े शगुन और अपशगुन के बारे में। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों, अगर सैनदेव को प्रसन्न करना हो तो कौवे को जो है कि भोजन अवश्य कराना चाहिए। अगर कौवा छत की मुंडेर पर आवाज़ करे तो मेहमान जो है कि जरूर आते हैं। कौवा अगर घर के उत्तर दिशा में बोले तो लक्ष्मी आती हैं, और कौवा घर के पूर्व दिशा की ओर बोले तो शुभ समाचार मिलता है। कौवा अगर पश्चिम की ओर मुंह करके बोले तो मेहमान आते हैं। कौवा अगर दक्षिण की ओर मुंह करके बोले तो अशुभ समाचार मिलता है। कौवे के भोजन कराने से अनिष्ट व शत्रु का नाश होता है। तो दोस्तों, ये थी कुछ जानकारी कौवे से जुड़े शगुन और अपशगुन के बारे में। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।